Good morning, students. Myself, Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So, students, today's our topic is Dhoti Poshak from chapter number 5, and our book name is Bhimji. So, students, today we will solve some question answer from pages 35 to 37. So, please pay attention towards the blackboard. Question number 1. कहानी में से विशेषण शब्द छांट कर लिखो। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते, उनके बारे में बताते, काम करने के तरीकों को बताते, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो हमने जो ये कहानी दोस्त की पोशाक पढ़ी है, उस कहानी में से ऐसे कुछ शब्द छांट कर हमको यहाँ लिखने हैं। तो आइए बच्चों देखिए, पुराना दोस्त की क्या विशेषता है कि वो बहुत पुराना है। भड़कीली अचकन, यहाँ पे जो अचकन पहनी जाने वाला जो वस्त्र है उसकी विशेषता है कि वो भड़कीले कलर का है, यानी चमकीला, रंग बिरंगा। बन ठन कर जाना, यदि हम कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं, बन ठन कर, ये कहीं जाने पर ऐसा हम करते हैं। मामूली पोशाक, पोशाक कहती है बच्चों मामूली, सामान्य सी, ज्यादा अच्छी नहीं है। गर्वजोशी से स्वागत, किसी का जब हम बहुत ही खुशी के साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं उसे बोलते हैं गर्वजोशी से स्वागत। स्वागत भी कैसा, गर्वजोशी वाला। तो ये विशेषताएं वाले शब्द हैं जो हमने कहानी में से छांट कर यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। देखिए, जब वो पहले पड़ोसी से मिलने जाता है तब नसरुद्दीन अपने मित्र जमाल साहब के बारे में उनका परिचय देते हुए कहता है कि इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वह मेरी है। तो ऐसा कहते ही जमाल साहब को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत शर्म आई, मानो उन पर घड़ों पानी डाल दिया गया हो। ये घड़ों पानी डालना एक मुहावरा है। इसी प्रकार से दूसरे के घर गए तो वहाँ उन्होंने उनके कहने पर कि ये बात नहीं बतानी है, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वह इनकी ही है, इस तरीके से कहा। तो वो भी जमाल साहब को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही तीसरे मकान से बाहर निकले होंगे और इसी तरह का शब्द, कुछ ऐसे ही शब्द नसरुद्दीन ने जमाल साहब के लिए कहे होंगे, तो उसके उत्तर में उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा होगा, नसरुद्दीन ने कहा होगा कि तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, ऐसा करके वो उससे नाराज हो गए होंगे। क्योंकि नसरुद्दीन कैसा व्यक्ति था, कम बुद्धि का व्यक्ति था, उसे नसरुद्दीन कैसा व्यक्ति था, कम बुद्धि वाला, उसे यह पता नहीं था कि किस जगह कैसी बात कहनी है। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए, तुम बन ठन कर कहाँ जाती हो। अक्सर हम लोग बन ठन कर बाजार जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, और साथ साथ यदि कोई शादी समारोह, बर्थडे पार्टी होती है तो अच्छी से अच्छी पोशाक पहन कर जाते हैं ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में से प्रश्न बनाना। हमने ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ी बच्चों, आप अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी 5 प्रश्न बना सकते हो। देखिए किस प्रकार से, नसरुद्दीन से मिलने कौन आया, इसका उत्तर भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। नसरुद्दीन से मिलने उसका पुराना मित्र जमाल साहब आए। जमाल साहब ने पड़ोस में घूमने से क्यों मना किया, क्योंकि जमाल साहब ने एक मामूली सी ड्रेस पहन रखी थी। यदि वह उसी ड्रेस को पहन के सबसे मिलने जाते तो उन्हें लग रहा था कि सभी उन्हें सामान्य व्यक्ति समझेंगे, इसीलिए उन्होंने उस मामूली सी ड्रेस को पहने हुए किसी से भी मिलने से मना कर दिया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब को पहनने को क्या दिया, नसरुद्दीन ने जमाल साहब को एक भड़कीली सी अचकन पहनने के लिए दी। नेक्स्ट, पहले पड़ोसी के यहाँ जाने पे नसरुद्दीन ने जमाल साहब के लिए क्या कहा, जमाल साहब के लिए पड़ोसी से कहा कि इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वो मेरी ही है। नेक्स्ट,
अंत में जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? ये कहा होगा कि दोस्त तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम में बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं, इस तरीके से कहा होगा। तो बच्चों कुछ प्रश्नों को हम, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न लिखो कहानी में से, जो कि मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर यहाँ से समझाए हैं। इसी तरह के 5 प्रश्न बनाने हैं। इनके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो आप उन्हें यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे घड़ों पानी डालना, घड़ों पानी डालने का मतलब क्या होता है? एक मुहावरा है, कहानी में इसका प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है शर्म आ जाना। मुंह बनाकर शिकायत करना, यानी कि मुंह आड़ा तिरछा कर लेते हैं अपन जब नाराज होते हैं किसी से, कोई शिकायत करते हैं। गर्मजोशी से स्वागत करने का मतलब होता है किसी का बहुत ही मन से खुशी से स्वागत करना। नाराज होना, क्रोधित होना, देखते ही रह जाना, मतलब समझ में ना आना कि अब क्या करें। जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? यदि वे मामूली कपड़ों में घूमने जाते तो सभी लोग उन्हें बहुत ही मामूली सा गरीब व्यक्ति समझते। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? क्योंकि वे ऐसा प्रशंसा के लिए, मजाकिया मजाक समझ रहे थे इस बात को, इसीलिए वे हर जगह पर अपनी अचकन की बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। देखो घर में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे अपने परिवार के बारे में बताना है, घर में कुल कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या एज है, वे क्या क्या काम करते हैं, इस तरीके से आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में यहाँ लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 41 पर, यहाँ पर दो दो शब्द के जोड़े दिए हुए हैं। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, पर दोनों शब्द का अर्थ एक दूसरे से भिन्न है। जैसे घड़ा, तो घड़ा का मतलब होता है पानी भरने वाला घड़ा। गड़ा, गड़ा मीन्स बनाना, जैसे कुमार मिट्टी से बर्तन को गढ़ता है। दूसरा होता है घूम, घूमना मतलब कहीं घूमने जाना। झूम मीन्स होता है नृत्य करना, डांस करना, नाचना। राज, राज मीन्स क्या होता है? एक तो राज मीन्स होता है अपना शासन चलना किसी बात पर, जैसे राजा का राज चलता हो। एक राज होता है रहस्य, किसी के बारे में कोई छुपी हुई बात किसी को बता देना। फन, फन मीन्स होता है बच्चों किसी चीज के बारे में, फन तो एक तो होता है सर नाग का जो फन होता है, वो एक फन होता है साधारण, किसी कला में किसी का किसी को माहिर होना, जैसे वह चित्र बनाने के फन में बहुत माहिर है। सजा, सजा का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना। खोल, खोल मीन्स क्या होता है? एक तो किसी का भेद खोल देना, किसी चीज को ओपन कर देना। एक होता है खौल, यानी कि पानी का उबलना। तो इस तरीके से हमें दो शब्दों के बीच अंतर को ढूंढना है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और इन्हें समझकर आपको अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को करना है और साथ साथ याद करना है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।